Hi friend, my name is Vikas Chakravarti. In this session, I am going to tell you reissue of forfeited share. The director of the company has the right to the reissue of the forfeited share in accordance with the provision of the article of association of the company or as per the requirement of rule number 31 and 32 of Cable F Schedule 1st of the company Act 2013. The company can reissue the forfeited share at par, at premium, or even at a discount, but the amount of the discount on reissue of the share should not be exceed the amount paid by the original shareholder. यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी कंपनी फॉरफिट करती है कौन से शेयर को जिन्होंने अनपेड किया हुआ था यानी जिसमें कॉल नीरियस था कंपनी ने 14 डेज का नोटिस दिया उसके शेयर को कंपनी फॉरफिट कर ली तब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस शेयर को उनको राइट्स होती है कि उस शेयर को क्या कर सकते हैं रीइश्यू कर सकते हैं किसके बेसिस पे कर सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एस उसके अलावा रूल नंबर 31 और रूल नंबर 32 जो टेबल एफ में शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में जो दिया हुआ उसके बेसिस पे कंपनियां क्या कर सकती है रीइश्यू कर सकती हैं किसको जो फॉरफिट शेयर को और जो फॉरफिट शेयर किस पे कर सकती है वो एट पार एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पे लेकिन डिस्काउंट की कंडीशन में एक चीज याद रखने वाली चीज है कि कंपनी डिस्काउंट उतना ही अमाउंट दे सकती है जो उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने यानी जो ओरिजिनल शेयर होल्डर था पहले का उसने जितना अमाउंट पेमेंट किया था उतने तक का ही कंपनी डिस्काउंट दे सकती है अब आप देखते हैं कि कंपनी जब रीइश्यू करती है तो तीन टाइप से कर सकती है जैसे हमने बताया एट पार एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट में अब उसमें इंडिया क्या होती है अगर इन केस अगर एट पार की कंडीशन होती है तब की कंडीशन में क्या होता है कि एट पार में कंपनी जब शेयर इशू कर रही है तब की कंडीशन जनरेट क्या होगा अगर मान ये रीइश्यू कर रही है किस पे एट पार पे अगर कंपनी एट पार पे कर रही है तब की कंडीशन में कंपनी अपने आप जनरेट क्या करती है एट पार अगर एट पार पे हो रहा है तो जनरेट क्या हो जाएगी कंपनी क्या अपने आप जनरेट कर सकती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल यानी बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल एट पार का मतलब क्या हुआ कि कंपनी का जितने का नॉमिनल फेस वैल्यू थी कंपनी उतने पे उसी से फॉरफिट शेयर को क्या कर रही हो रीइश्यू कर रही है तो जनरेट क्या हो गया बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल लेसन क्या हो गई बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू एट पार यानी कंपनी अगर उसी शेयर को प्रॉफिट कर रही है और उसी शेयर को एट पार पर इशू कर रही है तो जनरेट क्या हो गया बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल ठीक अब अगर कहीं देखते हैं कि अगर कंपनी एट पार की कंडीशन होती है एंट्री थी लेकिन अगर एट प्रीमियम पे करती है तब की कंडीशन में क्या होगा एट प्रीमियम में अगर एट प्रीमियम है अगर एट प्रीमियम की कंडीशन में कंपनी अगर फॉरफिट शेयर को रीइश्यू करती है तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यानी कंपनी जब अपने शेयर को जब कंपनी जो प्रॉफिट किया था जब उसे रीइश्यू करी किस पे एट प्रीमियम पे तो जनरेट क्या हो जाएगा बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नेशन क्या होगी बीइंग फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड एट प्रीमियम यानी कंपनी जब अपने शेयर को फॉरफिट किया हुआ था जिस कंपनी ने शेयर को फॉरफिट किया हुआ था जब उसे रीइश्यू कर रही है तो जनरेट क्या हो गया बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अब कंपनी थर्ड कंडीशन में किस पे कर सकती है डिस्काउंट पे जब कंपनी डिस्काउंट पे करती है तब कंडीशन जनरेट क्या हो जाएगी
एट पार एट प्रीमियम के बाद जो आता है वो क्या आती है एट डिस्काउंट. जब एट डिस्काउंट की कंडीशन में आ रही है तब एट डिस्काउंट. एट डिस्काउंट की कंडीशन जब कंपनी रीइश्यू कर रही है शेयर को तब जनरेट क्या आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट. अब देखो यहां पर डिस्काउंट नहीं दिखाया जाता, यहां पर जितने से काम पे करती है तो वहां पे क्या आती है शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल. कहने का मतलब कंपनी के जो शेयर को रीइश्यू कर रही है कम क्रेडिट में कर रही है तो वहां पे डिस्काउंट की नहीं कहने को तो कहते हैं हम लोग डिस्काउंट पे, लेकिन होता क्या है वहां पे जो भी फॉरफिट के अमाउंट मिली जाती है कंपनी को पहले तो उसका यूज करते हैं तो फॉरफिटेड शेयर लिखा जाता है. तो जनरेट क्या हो गई बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ओके तो नेशन क्या हो गया बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स रे इशूड एट डिस्काउंट. अब एक चीज हमेशा ध्यान रखने की चीज है कि कंपनी डिस्काउंट उतना ही तक दे सकती है जितना उस पर्टिकुलर शेयर पे मिला होगा, यानी जो ओरिजिनल शेयर होल्डर ने जितना अमाउंट पे किया होगा वही उतना ही एक्सेप्ट कर सकती है कंपनी कहां पे डिस्काउंट पे. अब कंपनी जब भी तीनों की कंडीशन में एट पार हो एट डिस्काउंट हो एट प्रीमियम हो तीनों की कंडीशन में जो भी फॉरफिट की जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है उसको ट्रांसफर करती है तो कंपनी क्या करती है बैलेंस अमाउंट ऑफ द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट एज द कंपनी कैपिटल प्रॉफिट. तो कंपनी के लिए क्या होती है वो कैपिटल प्रॉफिट, यानी जो कंपनी जो फॉरफिट की अमाउंट मिलती है जिसका यूज करने के बाद जो भी बचा हुआ है वो कंपनी के लिए क्या होती है वो कैपिटल प्रॉफिट होती है. उसे कहां ट्रांसफर करती है कैपिटल रिजर्व में. बट इफ द कंपनी हैज द रीइश्यू द वैल्यू द पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, यानी कंपनी मान लीजिए कि कंपनी जितना भी एक पार्ट सपोज करते हैं कि कंपनी के अपने 500 शेयर को फॉरफिट किया था, कंपनी फॉरफिटेड शेयर कितनी है फॉरफिटेड शेयर्स मान लेते हैं 500 है, लेकिन कंपनी ने इसमें से जो रीइश्यू किया कर रही है कितने शेयर कर रही है रीइश्यू कितने शेयर कर रही है मान लेते हैं 500 की जगह पे 200 को. तो अब कंपनी जितने भी इस 500 को तो फॉरफिट किया थी लेकिन रीइश्यू कितना शेयर कर रही है कंपनी ने जो रीइश्यू किया एट डिस्काउंट पे हो एट पार पे हो एट प्रीमियम पे हो किसी के कंडीशन में भी हो रीइश्यू कितना किया कंपनी ने 200. तब की कंडीशन में जो 300 कैसे 500 माइनस 200 जितना भी जो कंपनी के पास जो पैसा बचा हुआ है 300 शेयर का उसको कंपनी रीइश्यू में यानी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकती नहीं करती है. उसको क्यों नहीं करती है? क्योंकि रिमेनिंग इन फ्यूचर जब भी कंपनी का जो रिमेनिंग 300 शेयर जो बचा हुआ है जब वो रीइश्यू करेगी तो उसका वहां पे यूज होगा. यूज होने के बाद जब उसको कैपिटल प्रॉफिट होगी तभी उसको कहां ट्रांसफर कर सकती है वो कैपिटल रिजर्व में. ओके तो इसके लिए जो जनरल एंट्री होती है तो उसके लिए जो जनरल एंट्री होती है जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तब जनरल एंट्री क्या हो जाती है तब आएगी क्या जनरल एंट्री फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीन. अब देखिए यहां पे क्या होती है कि जब जितना यूज करने के बाद जो भी कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट होती है उसको कंपनी कहां ट्रांसफर करती है कैपिटल रिजर्व में. तो जनरेट क्या हो गई फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. तो नेशन क्या हो गया बीन फॉरफिटेड बैलेंसिंग अमाउंट फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. इस तरह से जो कंपनी के जो कंपनी के पास जो बैलेंस बचता है अमाउंट को ट्रांसफर कहां करते हैं वो कैपिटल रिजर्व में. ठीक है या ये कह सकते हैं गेन ऑन बीइंग गेन ऑन फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. इस टाइप से तो था कि कंपनी जब रीइश्यू करती है तब क्या क्या करती है तो एक बार फिर से देख लेते हैं कंपनी जब रीइश्यू करती है अगर एट पार पे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल.
agar at premium pe the bank on debit to share capital to secure discretionary reserve aur agar discount pe ho rahi hai issue to bank on debit forfeit share account debit to share capital. ओके अब इसके बाद कंपनी जब जितने भी बैलेंसिंग अमाउंट आ रही है जितना भी कंपनी के पास बचा हुआ है कैपिटल प्रॉफिट हो रही है उसको कहां ट्रांसफर करती है कैपिटल रिजर्व में तो जनरली क्या हो गया शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ओके अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसके बेसिस पे कि कंपनियां प्रॉफिट करती हैं और री इशू के करती हैं तो उसके लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ आएंगे. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में सेंड कर सकते हैं. ओके थैंक यू.